नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला में। मैं हूं तन्वी खुराना और बताना चाहूंगी इस पूरे हफ्ते में हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है ई सामग्री का विकास, इंटरैक्टिव संसाधन यानी कि अंतर क्रियाशील संसाधन। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस विषय से जुड़े हुए। इस प्रशिक्षण को हमने शुरू किया था 25 दिसंबर यानी कि सोमवार को और आज इसका तीसरा दिन है। पहले दिन हमने बातचीत की थी इंटरैक्टिव संसाधन अवधारणा, प्रारूप, आवश्यकता और दायरा पर, और दूसरे दिन यानी कि कल हमने बातचीत की थी लूमी के विशेष संदर्भ में इंटरैक्टिव संसाधन विकसित करने के लिए फॉस, जिसे हम कहते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और आज तीसरा दिन है इस ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला का। आज हम बातचीत करने वाले हैं छवि आधारित इंटरैक्टिव संसाधनों का विकास पर। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रशिक्षण से जुड़ सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं और अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। बताना चाहेंगे कि क्विज का लिंक आप तक पहुंचाया जाएगा आखिरी दिन, जो कि होगा 29 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को, और उस क्विज लिंक में जो भी सवाल छुपे हुए होंगे उनके जवाब आपको इन्हीं कार्यक्रमों में मिलेंगे। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इन कार्यक्रमों को ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी कारणवश आपने पहले दो कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं NCERT ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं तन्वी खुराना और आपको बहुत सारे माध्यम बताना चाहूंगी जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें फोन करना चाहें तो नंबर होगा 8800440559। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक, और साथ ही साथ हमारे NCERT आधारित YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर, जिसके लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। 5 बजे तक हम यहां मौजूद रहेंगे, अपने मेहमान से बातचीत करेंगे और आपके सवालों का पूरा जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक ईमेल आईडी है जिसे हम कहते हैं training.helpdesk@ceed.nic.in। कोई भी प्रश्न हो आपके इस आज की चर्चा से जुड़े हुए, इस पूरे फोकस पर जुड़े हुए, ई सामग्री का विकास, इंटरैक्टिव संसाधन, इस विषय पर जुड़े हुए, तो आप हमें पहुंचा सकते हैं सिर्फ इस 1 घंटे के दौरान नहीं बल्कि इस पूरे 5 दिवसीय कार्यक्रम में। आप 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक इस ईमेल आईडी के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और हमारी टीम उन्हें जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी। इसके अलावा इस पूरे प्रशिक्षण का कोई अटेंडेंस लिंक नहीं है, बताना चाहेंगे कोई भी अटेंडेंस लिंक नहीं है। आपको कहीं अटेंडेंस नहीं मार्क करनी, सिर्फ अपने सवाल लिखने हैं, और अगर आप क्विज में 70% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला जाएगा। उसकी तैयारी के लिए हमें कृपया 30 दिन ज़रूर दीजिएगा। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा और हमसे बातचीत करते रहिए, ये कार्यक्रम देखते रहिए। पंजीकरण कैसे करना है हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के बाद। तो इस कार्यक्रम को देखिए और आइए, आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोज कौशिक जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। हैं प्रमुख शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग SCERT हरियाणा से, और हम सर से कुछ सवाल पूछेंगे, पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है इसको आयोजित करने का पूरा श्रेय जाता है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT नई दिल्ली को। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करेंगे और समय नहीं हम गवाएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल पूछना चाहेंगे, हमने पहले 2 दिनों में जाना कि जो इंटरैक्टिव संसाधन है वो किस किस प्रकार के होते हैं, उनका प्रारूप क्या होता है, पर एक बार फिर से हम सर से पूछना चाहेंगे कि सर इन इंटरैक्टिव संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है शिक्षकों को, बच्चों को, और इन्हें क्रिएट करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो कितने लाभदायक है सर? धन्यवाद तन्वी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद NCERT को इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर के लिए जिससे कि मैं आप सब जुड़ पा रहा हूँ।
जैसा कि आप सभी को पता है, आज की इस जो इंटरेक्टिव सेशन है, जो चर्चा है, उसका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इमेज बेस्ड इंटरेक्टिव रिसोर्सेज। तो आपने पूछा, एक्चुअली ये बैकग्राउंड जो है, ये आती है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, नई शिक्षा नीति 2020, जो एक संपूर्णता में एजुकेशन की बात करती है। उसमें उसका ये कहना है कि होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, जॉयफुल और एंगेजिंग, इस तरह की एजुकेशन जो है वो हमें अपनी एनईपी 2020 के लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सभी को अपने जो मौजूदा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम की जो वर्तमान प्रक्रिया है, उसमें कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और कोविड के बाद धन्यवाद तन्वी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, अब सुन पा रहे हैं। थैंक यू। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ एनसीईआरटी का इस अवसर को प्रदान करने के लिए, जिससे कि हम सभी एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सभी से आज कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जी जैसा कि आप सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632। सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632। सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। इंटरेक्टिव रिसोर्सेज की बात करेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और इस अवसर के लिए एनसीईआरटी का विशेष तौर पर धन्यवाद भी करता हूं। हमारे इस आज की चर्चा, पूरी चर्चा में जिस जिन विषय को और जिन पहलुओं को हम आज आपके सामने रखेंगे, उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो आता है हमारी नई शिक्षा नीति से। नई शिक्षा नीति 2020 में बड़े पुरजोर तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 23 और 24 आईसीटी का क्लासरूम में इंटीग्रेशन, इस विषय के ऊपर जो है वो अलग अलग पहलुओं पर वो प्रकाश डालते हैं। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आईसीटी रिसोर्सेज को और आईसीटी के क्लासरूम में इंटीग्रेशन के सभी एस्पेक्ट्स जो हैं, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो कंटेंट का डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो, और बहुत ही डाइवर्स जो तरीके हैं बच्चों तक पहुंचने के, उन सभी का बड़ी विस्तार से उसकी चर्चा करी गई है। और उसी में एक चैप्टर और उसी में एक पहलू ये भी आता है, जिसको हम यहाँ पर आज ले रहे हैं, कि हम हमारा जो ई कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, वो ऐसा हो कि उसमें
एक रूपता, एक रास्ता जो है उसकी मोनोटोनी जो है उसको हम खत्म कर पाए। यानी जब भी हम अपने बच्चों के साथ में टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जब इन्वॉल्व रहते हैं, उस समय जो मोनोटोनी ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना है, हमें तोड़ना है। और उसका तरीका यही है कि हम कोई ऐसा कंटेंट उनके सामने प्रस्तुत करें जो ना केवल रुचिकर हो बल्कि एंगेजिंग भी हो, और ऐसा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है विषय वस्तु, उसमें ऐसा स्कोप होना चाहिए जिससे कि जो सुनने वाले हैं, छात्र हैं या ट्रेनिंग के दौरान जो है वो शिक्षक हैं, वो सभी उससे जुड़े रहें। तो ऐसे सभी कंटेंट को जिसमें कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन का स्कोप रहे, यानी श्रोता और जो वक्ता है दोनों तरफ से अगर ऐसा कम्युनिकेशन रहे तो उसे हम इंटरेक्टिव रिसोर्स कहते हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेज की बातचीत आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तन्वी जी। जी सर, तो आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, हम अपने समक्ष देख सकते हैं, कि आप उसके माध्यम से बच्चों को समझाना चाहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है जो कि छवि आधारित इंटरैक्टिव संसाधनों का विकास है, उसके बारे में बच्चे आज क्या सीखने और क्या समझने वाले हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि जो हमारा ई कंटेंट है वो ऐसा हो जिसमें कि जुड़ाव हो सके, जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे शिक्षक हैं उनके बीच में जो है एक जुड़ाव हो सके और एक इंटरेक्शन जो है उनके आपस में बना रहे। तो अब उनमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम विशेष तौर पर आज यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो है इमेज बेस्ड यानी छवि आधारित, चित्रों के माध्यम से और चित्र आधारित जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बच्चों को क्लासरूम के अंदर जोड़ सकता है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो है ह्यूमन नेचर होती है कि हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, जो भी दृश्य देखते हैं, वो छवि के रूप में, चित्र के रूप में होते हैं, और उसको हम एलोबरेट करना या उसको हम समझना आसानी से हम वो कर पाते हैं। इसलिए हम इस कंटेंट को इस तरह से लेंगे। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक एक करके इनके पहलुओं के बारे में भी बताता हूँ, और साथ साथ आज हम विशेष तौर पर अपने एक सॉफ्टवेयर जिसको हम लूमी सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसके प्रयोग से हम दो विशेष इमेज बेस्ड कंटेंट बनाना सीखेंगे, जिसमें से एक है कि हम इमेज की हॉटस्पॉटिंग कैसे सीखें, यानी हॉटस्पॉट इमेज कैसे बनाएं, और दूसरा है इमेज पेयरिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी आज की प्रेजेंटेशन से। सबसे पहला प्रश्न है और सबसे आसान जो शब्द है वो है यहाँ पर इंटरेक्टिव होना। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इंटरेक्टिव होने का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है, हमारा संचार है, वो टू वे होना चाहिए, दोनों तरफ से। अगर मैंने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया तो अगर आपकी तरफ से भी किसी भी माध्यम से कोई प्रश्न या कोई शंका या कोई फीडबैक आता है तो हम इसे टू वे कम्युनिकेशन कहेंगे, और इस तरह का जो संचार है या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। इंटरेक्टिव रिसोर्स, ई रिसोर्स क्या होता है, मतलब किस तरह के संसाधनों को हम ऐसा कहेंगे कि वो अंतःक्रियाशील है यानी इंटरेक्टिव है। ऐसा ई कंटेंट जिसमें हमारा जो ऑडियंस है या हमारा जो श्रोता है या हमारे जो उसे कंज्यूम करने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो उसको उसको प्रयोग करने के दौरान अपना कोई इनपुट दे और यूजर के इनपुट से वो कंटेंट आगे बढ़े, तो आप देख रहे हो इस समय चित्र में कि अलग अलग तरह से माउस के पैड से या कि स्क्रीन के टच से या किसी और माध्यम से, जहां पर एक हाइपरलिंक हो सकता है, कोई नेक्स्ट प्रोसीड का बटन हो सकता है, कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अगर यूजर के इनपुट के आधार पर वो कंटेंट आगे बढ़े तो ऐसे कंटेंट को हम इंटरेक्टिव ई रिसोर्स की श्रेणी में रखते हैं। ई कंटेंट या इंटरेक्टिव ई रिसोर्सेज और क्या होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं समय स्क्रीन पर, जितने भी इंटरेक्टिव लर्निंग मटेरियल है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि इंटरेक्टिव लर्निंग मटेरियल कौन से हो सकते हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग मटेरियल वो सभी जिसमें कि, जैसा मैंने कहा, कि ऐसा स्कोप हो जिसमें यूजर अपना इनपुट दे पाए कंटेंट के प्रसारण के या कंटेंट के प्ले होने के दौरान। तो जैसे
वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट है या हमारे लर्निंग मैनेजमेंट पोर्ट सिस्टम के LMS प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में ऐसे ऐसे पार्ट्स जहां पर कि यूजर को किसी न किसी रूप में अपना कोई फीडबैक या इनपुट या प्रश्न का जवाब देना पड़े, या कोई इंटरेक्टिव वीडियो है। इंटरेक्टिव वीडियो कौन से होते हैं, जैसे कि वीडियो के प्ले होने के दौरान उसकी विषय वस्तु से संबंधित अगर हम कोई प्रश्न उसमें डाल दें और उस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी दे दे और उसके बाद वो वीडियो जो है वो आगे प्रोसीड करे, तो ऐसे सभी कंटेंट को जिसमें यूजर का जो एक इंटरवेंशन है, यूजर का जो हस्तक्षेप है बीच में या फीडबैक है वो अपेक्षित हो, तो ऐसे हम उन्हें इंटरेक्टिव लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इनका विशेष तौर पर जो उद्देश्य होता है वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं जिससे कि खास लर्निंग आउटकम पे बेस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कंटेंट को जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो किसी लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड जब वो बनता है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति जो है वो सुनिश्चित होती है। इंटरेक्टिव कंटेंट के अंदर एक सिंगल शीट या एक सिंगल स्क्रीन या मल्टीपल पेजेस या स्क्रीन हो सकती है, और इसके अंदर वो सभी सामग्री हो सकती है जिसको कि हम टेक्स्ट के रूप में, चित्रों के रूप में, इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में यानी ध्वनि की फाइल हो सकती है वो, या वीडियो हो सकते हैं जिसके अंदर स्क्रीन कास्टिंग हो सकती है, एनिमेशन हो सकता है, और साथ साथ उसके अंदर सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरह की सारी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज जो है वो इंटरेक्टिव रिसोर्सेज के अंदर आती है। इंटरेक्टिव रिसोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जरूरी है इंटरेक्टिव रिसोर्स? जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि हम इंटरेक्शन का जो हमारा तरीका है वो आज से नहीं, बहुत पहले से है। जब हमारी परंपरागत शिक्षण पद्धति थी उसमें भी हम ये जानते थे कि अगर हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं छात्रों को और अगर वो एक तरफ से ही जो है वो संभाषण चल रहा हो तो उसमें जो एक रास्ता है वो कहीं ना कहीं उस शिक्षण के इम्पैक्ट को, उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं वो कम करती है। तो वहां पर भी हम उस एंगेजमेंट को लाने के लिए कोई ना कोई क्रियाकलाप, कोई ना कोई प्रश्न या कोई ना कोई फीडबैक का जो है वो स्कोप वहां पे बनाते थे जिससे कि बच्चों से बोलना होता था। तो वैसे ही डिजिटल कंटेंट के अंदर भी जब हम इंटरेक्टिवनेस लाते हैं तो क्या बदलाव आ जाता है एक नॉर्मल कंटेंट और इंटरेक्टिव कंटेंट में? बदलाव ये आ जाता है कि हम सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। सहभागिता एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि अगर हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित कर पाए तो वो जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा प्रभावी होती है। जो लर्नर का यानी शिक्षार्थी का जो एंगेजमेंट है और उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो भी आती है इस तरह की सामग्री के साथ में। छात्रों के अंदर जो सामग्री या विषय वस्तु हमने पहुंचानी चाहिए है वो ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएंगे उसकी, तो उनकी जो रिटेंशन है वो बढ़ती है अगर हम अपना जो कंटेंट है वो ऐसा बनाते हैं जिसमें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी जो सहभागिता है वो लगातार बनी रहे। ये सामग्री ऐसी भी होती है जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति पुरजोर बकायद इस बात की करती है कि हम छात्रों के अंदर 21वीं सदी के कौशलों का विकास करने का पूरा जो है वो स्कोप क्रिएट करें, इंतजाम उसमें होना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऐसी 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर आती है कि जब उस कंटेंट को देखते हुए जो विचार उसके अंदर आए छात्र के अंदर, उसको अगर वो शेयर कर पाए फीडबैक से, और जो प्रश्न टीचर की तरफ से छात्रों के लिए बनाए गए हैं उसका जवाब वो देते हुए आगे बढ़े, तो ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ये और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और साथ साथ जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं कक्षा को सामग्री को पहुंचाने वाले, वो साथ साथ अपनी सामग्री को न केवल बच्चों तक पहुंचा पा रहे होते हैं बल्कि वो एक छोटा छोटा मूल्यांकन भी साथ साथ कर रहे होते हैं। हमारी इस पूरे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इमेज बेस्ड रिसोर्सेज कैसे सपोर्ट करते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव नेचर तो हमेशा क्लासरूम की रिक्वायरमेंट रही है और हर ई कंटेंट जो है वो प्रभावी अपने आप हो जाता है अगर हम उसमें ऐसे एलिमेंट्स डालते हैं, लेकिन अगर वो मीडिया विजुअल है
जो जो हमारी आज की बातचीत का मुख्य बिंदु है कि मीडिया विजुअल है, तो क्योंकि ये एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड होता है, हमारे आसपास के जो चित्र हैं या वीडियोस हैं या कोई भी ऐसी इमेज है जिसको हम बहुत जल्दी रिकॉल कर पाते हैं, अगर हम ऐसी चीजों को जोड़ते हैं अपनी विषय वस्तु से, तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वो आसान होती है। इसके अलावा जो सीखने वाले हमारे लर्नर्स हैं, वो टेक्सुअल फॉर्म के अंदर जो सूचना उनके पास जाती है उसमें तो वो अभ्यस्त हैं, लेकिन अगर उनके साथ उसके साथ साथ उनके पास विजुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो बहुत अच्छी तरह से इन दोनों सूचनाओं को लिंक कर पाते हैं और अच्छी समझ बनती है। चित्रों के माध्यम से पढ़ना और पढ़ाना, हम सभी जानते हैं कि ये एक पेडागोजिकल स्ट्रेटजी होती है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको हम मानते हैं कि ये क्लासरूम के अंदर ज्यादा प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करती है आउटकम्स को अचीव करना। हमारे स्टूडेंट जो मीडिया रिच एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, आज का युग जो है वो मीडिया का युग है, चारों तरफ बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग माध्यमों से और अलग अलग तरीकों से बच्चों के पास पहुंचती है, तो इसीलिए हमारा जो कंटेंट है वो भी जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बहुत सारे चित्र और विजुअल्स अवेलेबल हो, जिससे कि वो बच्चा जल्दी कनेक्ट कर पाए और हमारी जो सूचनाएं हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्स्ट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक चित्र जो है कई बार बहुत सारे शब्दों का को बखान कर देता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इमेजेस जो है वो क्योंकि बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं, इसलिए भी हमें ये स्रोत जो है और इस तरह की सामग्री बनाने में बहुत ही सुविधा होती है। टीचिंग और लर्निंग में इनको इनकॉर्पोरेट करना जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि डिजिटली क्रिएटेड इमेजेस या डिजिटल माध्यमों से ली जाने वाली जो चित्र हैं वो आसानी से फ्री एंड ओपन रिसोर्स की तरह, ओपन एजुकेशन रिसोर्स की तरह उपलब्ध है, उसको हम ले सकते हैं। और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो जो आज की आवश्यकता है कि छात्र केंद्रित अधिगम के अंदर अगर विजुअल एक्सपीरियंस अगर उसको दिया जाए तो उसकी रोचकता जो है वो बनी रहती है। अब हमारा प्रश्न आता है जिसके लिए हम आज का ये सेशन जो है बहुत ध्यान से चाहेंगे कि आप सुने, वो ये है कि हम इन इंटरेक्टिव इमेज बेस्ड रिसोर्सेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे बनाएं ऐसे इमेज बेस्ड रिसोर्सेज। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हम आज के डिस्कशन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जिसको कि ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। हम इमेज को कहीं से अपनी लाइब्रेरी से या हमारे पास इमेज गैलरी हो सकती है उससे सेलेक्ट करके, और उसके बाद हम अपने कंटेंट को मीडिया रिच बनाएंगे जिसमें कि इमेजेस भरी हुई होंगी। हम हॉटस्पॉट्स क्रिएट कर सकते हैं फोटो के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा कि एक चित्र के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिसको आपको जिनकी व्याख्या करने की आपको आवश्यकता महसूस हो रही है छात्रों के आगे, तो उन सभी बिंदुओं को अगर हम हाईलाइट कर दें और उन हाईलाइट के ऊपर किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में कोई कोई प्लस का साइन या कोई क्वेश्चन मार्क लगा दें, जिससे कि जब भी कोई छात्र उस चित्र को देखे तो उसको और अधिक समझने के लिए उस क्वेश्चन मार्क के ऊपर या उस प्लस साइन के ऊपर अगर वो क्लिक करता है तो उसे और भी ज्यादा डिटेल मिलती है। इसे हॉटस्पॉट ऐड करना कहते हैं। तो हम चित्रों में, हम नक्शे में, हम डायग्राम्स में ऐसे हॉटस्पॉट जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्लिक टू एक्सप्लोर, यानी किसी भी चित्र के ऊपर जो कि स्टैटिक है, वैसे देखने में वो एक एकदम स्टैटिक पिक्चर है, लेकिन अगर हम उसमें कहीं कोई ऐसा स्कोप छोड़ते हैं जिससे कि जानने वाले को, यानी कि अगर हमारी इच्छा जानने की और अधिक है एज अ लर्नर, तो हम उसे क्लिक करके और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उस एक्सप्लोर करने के लिए जो जो सप्लीमेंट्री कंटेंट है वो हमारे द्वारा, यानी जो ई कंटेंट को बना रहा है इमेज बेस्ड रिसोर्सेज को, उसके द्वारा वहां प्रोवाइड किया जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा सामग्री है, जो अतिरिक्त सामग्री उसको दी जा रही है फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, वो हो सकता है कि टेक्स्ट हो, वो हो सकता है कि कोई वीडियो हो, वो हो सकता है कोई ऑडियो हो, जो किसी न किसी लिंक के माध्यम से उसको आगे लेकर जाएगा। लूमी एक ऐसा ही ऐप है, ये विंडो के ऊपर भी अवेलेबल है,
और मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। इसके माध्यम से हम ऐसे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, लूमी से हम क्रिएट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं ऐसा सभी इंटरेक्टिव HTML एलिमेंट, जो कि क्योंकि ये माध्यम यूज करता है H5P को, तो उस H5P के जितने भी इंटरेक्टिव एडिटिंग के फीचर्स हैं वो सभी हम लूमी के माध्यम से यहाँ बना सकते हैं जो अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर आप एक URL देख रहे हैं इस समय, lumi.education। इसके ऊपर से हम इस लिंक से लूमी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड्स में कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं जिसके माध्यम से बहुत ही सरलता से आप स्टेप बाय स्टेप ये सीख जाएंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करेंगे और इस सॉफ्टवेयर का यूज करके एक इंटरेक्टिव ई कंटेंट जो कि इमेज बेस्ड हो उसे हम अपने आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इनके स्टेप्स को क्योंकि हम स्लोली आगे आगे बढ़ेंगे तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद हम एक लाइव डेमो के जरिए भी प्रयास करेंगे कि आपको ये चीज समझ में आए। तो ये लूमी का डेस्कटॉप है। लूमी में जो है हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत से इंटरेक्टिव HTML एलिमेंट, जो जैसे H5P के पैकेजेस हैं। हम 40 डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं लूमी का इस्तेमाल करके, जिसके अंदर वाइड वैरायटी, बहुत बड़ा विस्तार में हमारे पास जो है वो कंटेंट की वैरायटी है, जिसमें इंटरेक्टिव वीडियोस तो सबसे ज्यादा प्रचलित है ही है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बहुत भी। हमें किसी भी प्रोग्रामिंग, अतिरिक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लूमी पे काम चाहते हैं करना तो ये सॉफ्टवेयर इतना यूजर फ्रेंडली है कि एक अध्यापक के द्वारा बड़ी आसानी से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, H5P सिस्टम के दूसरे जो वर्जन है उसके मुकाबले लूमी के अंदर जो है वो किसी एक्स्ट्रा LMS की जरूरत नहीं पड़ती ना, जैसे मूडल है या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS लाइक वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, इसकी आवश्यकता उसमें नहीं होती है। वैसे ये एडिशनल फीचर अवेलेबल होता है कि हम अगर कोई ऐसा कंटेंट H5P में क्रिएट करते हैं तो हम उसको अपने LMS के माध्यम से भी एम्बेड कर सकते हैं और हम उसको डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपने छात्रों के पास भेज सकते हैं। अपने डेस्कटॉप के एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही इजीली ये ई कंटेंट जो है इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएट हो सकता है, और जैसे मैंने कहा कि हम उसको HTML फाइल के रूप में किसी भी स्टूडेंट को अपना डायरेक्टली भेज सकते हैं और वो उस लिंक को क्लिक करके उसे देख सकता है। आज हम कुछ ऐसे फीचर्स जिसमें इमेज हॉटस्पॉट्स है, इमेज पेयरिंग है, इमेज चॉइस है, इमेज जिंक्स्टा पोजिशन है, इमेज सीक्वेंसिंग है, इमेज स्लाइडर है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो हैं और टाइप्स जो हैं जिसमें इमेज बेस्ड ई कंटेंट बन सकता है वो लूमी में अवेलेबल है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे पहले दो फीचर के ऊपर जिसको हम विस्तार से समझेंगे, और इनको समझने के बाद आप बाकी सारे कंटेंट भी इस सॉफ्टवेयर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला है इमेज हॉटस्पॉट। इमेज हॉटस्पॉट को हम कब यूज करें? इमेज हॉटस्पॉट तब यूजफुल है जब हम कोई सिंपल और एक फास्ट यानी कि बहुत जल्दी और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला इंफोग्राफिक चाहते हैं बनाना। एक ही सिंगल इंफोग्राफिक के ऊपर अगर हम उसे एनरिच करना चाहते हैं, उसे हम सूचनाओं से भरना चाहते हैं एक ही इंफोग्राफिक को, तो हम इमेज हॉटस्पॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें उस इंफोग्राफिक के अलग अलग हिस्सों में जो भी बिंदु ऐसे हैं जिनको की और अधिक इन डेप्थ सूचना देने की आवश्यकता है, ज्यादा समझने की आवश्यकता है, वो सभी सूचनाएं वहां पर इमेज हॉटस्पॉट से दे सकते हैं। तो जो इमेज हॉटस्पॉट है हम कब यूज करेंगे वो ये उद्देश्य हो गया, जब हमारे पास एक ही इमेज में बहुत सारी सूचनाएं हम देना चाहते हैं। दूसरा है इमेज पेयरिंग का। इमेज पेयरिंग से हमारा तात्पर्य है जिस तरह से हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं कि हम एक टेक्स्ट मैसेज के रूप में बने हुए क्वेश्चन में एक शब्द भरते हैं जिससे वो सेंटेंस पूरा होता है, या हम मैचिंग कॉलम में दो कॉलम्स में कुछ सूचनाएं लिखते हैं और कॉलम ए और बी को मैच करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से इमेज पेयरिंग में हम दो सेट ऑफ इमेजेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और उन दो सेट ऑफ इमेजेस में
एक सेट ऑफ इमेज से दूसरी सेट ऑफ इमेज को हमें पेयर करना होता है। ये भी एक इमेज बेस्ड रिसोर्स है मैंने ये प्रयास किया है कि एक 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 इमेज है जिसमें, हाँ अब आप देख सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग में इंटीग्रेट करने के का एक मेथड है, एक मॉडल है जिसको हम टीपैक मॉडल कहते हैं। उस टीपैक मॉडल की एक इमेज दिखाई गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो नॉलेज है वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी हो सकती है, कंटेंट नॉलेज भी हो सकती है, पैडागोजिकल नॉलेज भी हो सकती है, और इन तीनों के इंटरमिक्सिंग से इंटरमिक्सिंग नॉलेज जो बनती है वो हो सकती है टेक्नोलॉजिकल पैडागोजिकल, वो हो सकती है पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। और वो तो इस तरह की डायग्राम को ध्यान से देखने से कुछ चीजें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन कुछ अधिक सूचना अगर देनी हो तो हम क्या करते हैं कि हमने इसमें जगह जगह आप देख पा रहे हैं कि इसमें आई यानी कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है। ये सभी सिंबल जो है ये क्लिकेबल होते हैं हॉटस्पॉट के अंदर, और जब भी हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर मैं दिखा पाऊं तो मैं आपको उसका इंटरेक्टिव पार्ट भी दिखाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप इसे देख सकते हैं, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं इस समय? जी सर। तो मैंने थोड़ा बड़ा किया है एक इमेज हॉटस्पॉट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे ही मैंने कर्सर को इस फर्स्ट इमेज हॉटस्पॉट के आइकन के पास रखा, और अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो एक विंडो खुलती है जिसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन की डिटेल टेक्स्ट की फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या होती है, ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में हमने यहाँ पर अपने लर्नर को अधिक सामग्री देने के लिए यहाँ पर लिख दिया। तो अगर वो चाहता है उस पर्टिकुलर चित्र के उस भाग के ऊपर अधिक जानकारी प्राप्त करना तो वो इसे पढ़ सकता है। ये इंग्लिश और हिंदी यानी जैसा भी हम चाहते हैं अपने लर्नर को देना उस तरह से हम उसे दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा हिस्सा अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये हॉटस्पॉट नंबर 3 है, इसको अगर हमने क्लिक किया तो फिर एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इस बार हमने टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज इसके ऊपर ये सेक्शन दे दिया। तो ये एक उदाहरण था जिससे कि हम इसको जो है वो समझ सकते हैं कि हमारा हॉटस्पॉट जो है वो होता क्या है। मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं और अपनी स्लाइड्स के ऊपर आता हूं जो कि आप देख रहे थे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी कि अगर हम चाहते हैं इमेज पेयरिंग, यानी मैंने एक एग्जांपल आपको अभी अभी दिया कि इमेज हॉटस्पॉट क्या होता है, और अब आप सुनेंगे इमेज पेयरिंग क्या होती है। ये भी एक फ्री HTML5 बेस्ड इमेज पेयरिंग एक्टिविटी है। ये ऑथर्स को अलाउ करती है पेयर्स बनाना इमेजेस का। तो हमारे पास दो सेट ऑफ इमेजेस होंगी जिसको कि हम पेयर बना सकते हैं। अनपेयर्ड इमेज को या जंबल्ड फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में हम इमेज को रख देंगे उसके सामने, और जैसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्नर के ग्रेड की होगी, जिस भी ग्रेड का, जिस भी एज स्पेसिफिक तरह का हमारे पास लर्नर होगा, उसी तरह से हम इमेज की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत ही आसानी से ये पता लग जाता है कि जो इमेजेस हमने दी हैं वो लर्नर जो है वो उसको विजुलाइज कर पा रहा है, समझ पा रहा है, और उसमें इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहा है दोनों सेट ऑफ इमेजेस में। ये एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा दो सेट ऑफ इमेज होती है पेयरिंग के अंदर। तो पहले सेट ऑफ इमेजेस में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कुछ पशुओं के या पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, और दूसरे सेट ऑफ इमेजेस के अंदर
उन्हीं पशु पक्षियों से जुड़े हुए या तो उनकी स्किन या उनके पंख जो है उनका चित्र जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक नेचुरल जो है वो क्यूरोसिटी है जिसके माध्यम से बच्चे को हम थोड़ा सा उसकी थिंकिंग को एनकरेज कर सकते हैं कि बताओ किस चित्र की में दिखाई गई स्किन जो है वो किस जानवर की हो सकती है या कौन सा पंख किस पक्षी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी किसी भी इमेज को जो है वो उसे लिंक करना होता है। ये एक्टिविटी जो है बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से होती है। जिस जगह से हम इमेज को उठाते हैं दूसरी इमेज के ऊपर उसे रख देते हैं। अगर हमारा ये कॉम्बिनेशन सही बैठता है तो चेक ऑप्शन क्लिक करने पर यानी पूरे पूरे इमेजेस को जोड़ने के बाद नीचे एक चेक बटन आता है जहां पर आप यहां देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है यू हैव गॉट 6 out of 6। इसी जगह पे एक चेक ऑप्शन होता है, उसे क्लिक करने के बाद पेयरिंग सही हुई है या नहीं इसका पता लग जाता है। अब हम आते हैं हॉटस्पॉट के स्टेप्स समझते हैं। अगर हमें अपने लूमी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और हॉटस्पॉट इमेज क्रिएट करनी है तो हम इन 5-6 स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखें। हम पहले स्टिल स्क्रीन के माध्यम से ही स्टेप्स देखते हैं और फिर हम लाइव के ऊपर जाएंगे। तो पहला स्टेप है कि हम टॉपिक सेलेक्ट करें, हम जाने कि हमें कौन सा चित्र चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक चित्र लिखा बना हुआ है आपको दिख रहा है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज आगे बनी हुई है और उन सब के ऊपर जो है वो प्लस का साइन बना हुआ है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये होता है कि हम एक इमेज जिसमें कि ऐसा स्कोप हो ये जरूर जाने कि बहुत सामान्य इमेज को लेकर उसे उसमें हॉटस्पॉट बनाना हो तो वो आप प्रैक्टिस के लिए जरूर बनाएं, लेकिन क्लासरूम में यूज करने के लिए ये हम हमेशा कहते हैं कि ई कंटेंट जब भी बनाया जाए तो वो किसी डिजिटल टूल या किसी सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करने के लिए ना बनाया जाए बल्कि क्लासरूम में उसकी यूटिलिटी कितनी है इस आधार पर बनाया जाए। तो एज अ प्रैक्टिस आप कोई भी इमेज ले लें, लेकिन जब हम क्लासरूम में जाएं तो वाकई ये सोच के जाएं कि क्या इस इमेज के ऊपर ऐसा स्कोप है या जरूरत है इसमें जिसमें कि लर्नर को या हमारे बच्चों को और अधिक सीखने की जरूरत है उस इमेज को देख के हम ऐसी इमेज सेलेक्ट करें। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इमेज ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है और जरूरी बिंदु है। दूसरा स्टेप है जब भी हम क्रिएट कंटेंट स्टार्ट करेंगे स्टेप टू में, पहले हमने इमेज ले ली और उसके बाद हम कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। जब हम कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं तो हॉटस्पॉट के इस स्क्रीन के ऊपर हम सामने आते हैं जिसमें कि हमें इमेज बेस्ड इंटरेक्टिव रिसोर्स बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस जो है मिलते हैं। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से हम उनमें से एक जो हमें इमेज हॉटस्पॉट के नाम से यहाँ पर हाईलाइटेड है उसको हम चुन लेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे स्टेप की ओर जिसमें हमें अपने उस इमेज हॉटस्पॉट का नाम करना है और एक मेटा डेटा शीट भरनी है जिसमें कि सबसे पहले उसका टाइटल होगा। मैं आपको हाईलाइट कर दिखा देता हूं कि जैसे यहां पर ये पोर्शन जो है यहां पर हम अपने बनाए जाने वाले इमेज का टाइटल लिखेंगे। वो शीर्षक कुछ भी हो सकता है जिससे कि हम दोबारा उसे पहचान पाए। दूसरे में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो उस इमेज को जो हमने अभी अभी ऊपर सेलेक्ट की है जिसके ऊपर हमें हॉटस्पॉट क्रिएट करना है। तो पूरे हॉटस्पॉट का टाइटल आपने रख दिया और जब वो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर एड ऑप्शन से लेंगे तो उस बैकग्राउंड इमेज का भी एक नाम रख सकते हैं अलग। इसके अलावा इसके बाद इसमें एक प्री डिफाइंड आइकन आता है, जैसा कि आपने अभी मेरे एग्जाम्पल में देखा कि उसमें आई लिखा हुआ था। तो वो जो प्री डिफाइंड आइकन्स होते हैं वो डिजाइनर के यानी कि आपके चॉइस का हो सकता है। इसमें ऑप्शन भी होते हैं और इसमें बाय डिफॉल्ट भी अवेलेबल होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है या प्लस साइन है, ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं और कोई भी इमेज जो है वो गैलरी से इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। और ये हॉटस्पॉट का कलर है, ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें जो है इसके अंदर अवेलेबल होती है। स्टेप 4 है बैकग्राउंड इमेज, जो मैंने अभी 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 बात की, जो इमेज जब आप लेते हैं उसकी साइज जो है वो जरूर आपको एडजस्ट करनी है। मैक्सिमम विड्थ जो है वो कंटेनर का जिसके अंदर प्लेस किया था, क्योंकि हमें स्क्रीन के हिसाब से उसके साइड को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और
हम उस इमेज हॉटस्पॉट को फुल स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने अभी आप एग्जांपल दिखाया था, वो फुल स्क्रीन हॉटस्पॉट था जो आपकी पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, जिसमें हमने टेक्नोलॉजिकल पैडागोजिकल नॉलेज का एक हॉटस्पॉट आपको दिखाया था। सो प्रॉपर साइज को और रिजोल्यूशन को सेलेक्ट करने का हमारे पास ऑप्शन होता है, जिसको आप स्टेप 4 के अंदर वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करें तो उसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर भरनी चाहिए। वैसे ये सारे कंटेंट जो बनता है ये सीसी बाई ऐसे में बनता है, लेकिन फिर भी जो इमेज आप लेकर आए गैलरी से उसे एंश्योर करना है कि वो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल हो, कॉपीराइट फ्री हो। ये हॉटस्पॉट का आइकन है जिसकी मैंने बात की थी, कि आप इस आइकन को अपने हिसाब से प्रीडिफाइंड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ बाय डिफॉल्ट प्लस साइन वाला जो आइकन है वो इस्तेमाल किया गया है। ये नीचे आप देख रहे हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, इन्फो के लिए आई भी ले सकते हो जो मेरे एग्जाम्पल में था, और क्वेश्चन मार्क भी, इस तरह के और भी टूल्स या आइकन्स अवेलेबल हैं आपके पास। अब हॉटस्पॉट क्रिएट कैसे करें? हॉटस्पॉट को क्रिएट करने के लिए जो इमेज आपने सेलेक्ट की है उस इमेज में अलग अलग बिंदुओं के ऊपर आपको वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिस जगह को आप चाहते हो कि आपको वो इन डेप्थ नॉलेज देने की एक विंडो खुले वहां पर। तो उस विंडो, वो जब विंडो खुलेगी तो उसका जो टाइटल होगा उसको हेडर कहेंगे, और जिस जगह पर आप अपना वो प्लस साइन या क्वेश्चन मार्क का साइन का आइकन रखना चाहते हैं इमेज में, वो हॉटस्पॉट की पोजीशन है। और जो विंडो खुलती है क्लिक करने के बाद उसे हम पॉपअप कंटेंट कहते हैं, उसको भी लिखने का ऑप्शन आपको मिलता है। और जो पॉपअप कंटेंट है, कंटेंट क्यों कहा गया है इसमें, जैसे मैंने कहा कि उस विंडो में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप उसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं, और आप ये तीनों मिला के भी ऐड कर सकते हो। यानी कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह में वो बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट था उस इमेज का, जिसमें आपने चाहा था कि भाई वहां पर लर्नर को एक छोटा सा टेक्स्ट मिल जाए कि वो क्या है, साथ साथ ये भी मिल जाए कि उसकी एक छोटी सी इमेज भी वहां पर बनी हुई आए, और वो एक्स्ट्रा इमेज अदर देन द मेन बैकग्राउंड इमेज, और एक छोटा सा वीडियो भी प्ले हो जाए जिससे बच्चे को और पता लग जाए। तो यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हो एक दो या एक से ज्यादा कंटेंट को भी एक जगह पे एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं पॉपअप कंटेंट, उसकी फॉर्म में ऐड कर सकते हो। गाड़ी वगैरह टाइम तो पता लग जाता है। और सेवेंथ और लास्ट स्टेप है हमारे इमेज हॉटस्पॉट का, वो है कि जब एक हॉटस्पॉट, एक बिंदु आपने क्रिएट कर दिया, तो आप ऐसा रिपीट करके और भी बिंदु क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसके बाद इमिडिएटली जाता हूं अपने दूसरे पार्ट पे, क्योंकि हमें लाइव डेमो का भी स्कोप ध्यान रखना है कि हम इमेज पेयरिंग कैसे करते हैं। इमेज पेयरिंग और इमेज हॉटस्पॉट जो है उनका फ्रंट जो होम पेज है वो काफी मिलता जुलता है लूमी के ऊपर, इसलिए यहां भी आप सबसे पहले एक सेलेक्ट करोगे टॉपिक। टॉपिक सेलेक्ट करने का मतलब है आपको पहले ये इमेजिन करना है कि आप किन दो सेट ऑफ इमेजेस को चाहते हो कि वो आपस में मैच उनकी कराई जाए। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम और बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि इमेज में हमने दिखाया था। तो सबसे पहले हमें टॉपिक को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें इमेज कंपाइल करनी है या क्रिएट करनी है। या तो हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम गैलरी से ऐसे ऐसी इमेजेस ला सकते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री हो। फिर हम इमेज पेयरिंग के एडिटर पे जाएंगे, कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे, ये सभी स्टेप आपको स्लाइड के माध्यम से भी आप मिलेंगे, और फिर कंटेंट क्रिएट करके और कंपाइल करेंगे। ये है कंटेंट क्रिएट करना इमेज को। तो जैसे ही क्रिएट कंटेंट का ऑप्शन आप अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करते हो तो ये विंडो खुलती है, जैसा पहले आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में इमेज हॉटस्पॉट को सेलेक्ट किया था, इस बार आप सेलेक्ट करेंगे इमेज पेयरिंग को। और साथ साथ आप ये भी जानते चले कि ऊपर ऐसे भी लिखा हुआ है, इमेज स्लाइडर भी लिखा हुआ है, डिक्टेशन भी लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये और सभी डिफरेंट बहुत सारे फीचर्स हैं H5P कंटेंट क्रिएट करने के। ये वो ऑप्शंस है, क्योंकि हमने अपने यहाँ पर समयावधि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ दो फीचर के ऊपर, हम यूटिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इमेज हॉटस्पॉट और इमेज पेयरिंग, लेकिन आप इन सबको भी एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ही कंफर्टेबली। जो डिफरेंट है
इमेज हॉटस्पॉट में इससे वो ये वाली स्क्रीन है। यहाँ पर क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो सेट ऑफ पिक्चर्स होती हैं, तो दो सेट ऑफ पिक्चर में एक सेट ऑफ पिक्चर में जो इमेजेस डाली जाएंगी वो कार्ड वन की इमेज आपने ओपन की और वहां पर आप एक इमेज ऐड कर दोगे। उसके बाद इस कार्ड वन की इमेज को, जिसको हम कहते हैं कॉलम वन की जो इमेज है वो कॉलम टू से जो मैच करेगी, जो दूसरी वाली इमेज को, इसी के नीचे ऑप्शन है ऐड करने का, तो आप दो इमेज ऐड करोगे। ये आपसे कह के बोलेगा कि जो मैचिंग पिक्चर है वो बताओ, तो फर्स्ट इमेज को ऐड करो, उसके बाद मैचिंग पिक्चर को ऐड करो, और जैसे ही आप दो पिक्चर्स ऐड कर देते हो, एक पेयर वाली, करेक्ट पेयर वाली, तो ये कार्ड फर्स्ट कार्ड होता है कंप्लीट। उसके बाद हम करते हैं ऐड कार्ड और हम आगे वाली इमेजेस भी ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम बढ़ते हुए यहां तक, वन कार्ड, टू कार्ड, थ्री कार्ड, मान लिया आपके पास पांच इमेजेस कॉलम वन में है और पांच इमेजेस कॉलम टू में है, तो आपको पांच कार्ड यहां पर ऐड करने पड़ेंगे स्क्रीन के अंदर, इस ऐड कार्ड के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए, कार्ड वन, कार्ड टू, कार्ड थ्री, ऐसे करते हुए। सर, हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे पास आखिरी के दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन मिनट है, तो हम फिर आपसे सवाल पूछेंगे। आपसे अनुरोध है कि इसे अपनी कंटेंट को थोड़ा सा रैप अप कर दीजिएगा। फाइन, अब मैं क्विकली जो है वो इसके लाइव डेमो पे आना चाहूँगा, जिसमें कि मुझे ये पीपीटी जो है वो एक बार बंद करनी होगी। जी, और मैं क्विकली कनेक्ट करता हूं अपने स्क्रीन के हम आपका ब्राउजर देख पा रहे हैं सर। यस, तो ये है लूमी का डैशबोर्ड, जिस अगर आप देख पा रहे हैं इसको। यस जी, हम देख पा रहे हैं। हाँ, तो लूमी के इस डैशबोर्ड में ये होम पेज है। जैसे ही हम app.lumi.education ये टाइप करते हैं, तो आप URL भी आप देख लें, ये URL जो है इस समय स्क्रीन के ऊपर, इसे आप बहुत अच्छी तरह से नोट करें, बिकॉज करेक्ट URL देके आप इस साइट पर पहुंचते हैं। और अगर आपने पहले से इस पे रजिस्टर नहीं किया है, तो आप सिंपल कुछ क्रेडेंशियल्स देके और इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड में ये ऑप्शन है, अगर मैं डैशबोर्ड को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यस, ये देखिए डैशबोर्ड में पब्लिक कंटेंट, माय कंटेंट, क्रिएट कंटेंट, अपलोड कंटेंट और शेयर्ड कंटेंट, ये पांच तरह के ऑप्शन है। पब्लिक कंटेंट का मतलब है ऑलरेडी किसी ने कोई कंटेंट क्रिएट किया हुआ वहां अवेलेबल है, माय कंटेंट जो मैंने क्रिएट किया और जो हमें कंटेंट नया क्रिएट करना है, तो अगर हम क्रिएट अ न्यू कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो हमें लूमी अलाउ करता है ये वाली स्क्रीन जो मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से पहले दिखाई थी। इसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर है, एक है एडिट और एक है व्यू। एडिट वो पोर्शन है जब हम कंटेंट नया क्रिएट कर रहे हैं, तो हम पहले इस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यस, तो एडिट में आप देख रहे हो ये वो जगह है जहां पर हमने सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा फीचर चाहते हैं लूमी का। जो मैंने कहा था आपको, इमेज हॉटस्पॉट को हमने क्लिक कर दिया, इमेज हॉटस्पॉट क्लिक करने पे ये खुल गया। टाइटल हमने यहाँ पर कोई भी टाइटल हम एक यहाँ पर लिख दे, मान लिया हमने, मेरे पास एक यहाँ पर एक इमेज है, इंडिया का एक मैप है, तो मैंने वो लिख दिया। उस बैकग्राउंड इमेज को हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करने से के लिए ये हमारे उस गैलरी में जाएगा जहाँ से हम इसको एक इमेज दे देंगे, और जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो वो इमेज जो है बैकग्राउंड इमेज वो हमारी यहाँ पर लोड हो गई।
अपलोड होते ही ये इमेज, अब हमने वो इमेज ऐड कर ली जिसके ऊपर हमें हॉटस्पॉट क्रिएट करना है। मैंने पहले भी कहा इसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में दोबारा से सिर्फ इंडिया लिख देता हूँ यहाँ पे, और प्री डिफाइंड आइकन जो है प्री डिफाइंड ही रहने दे इसमें, तो प्री डिफाइंड में बाय डिफॉल्ट प्लस आता है। ये देखिए ये इमेज थी जो मैंने इसमें ऐड की थी। अब हॉटस्पॉट की पोजीशन, इस पहले स्टेप को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सारे हॉटस्पॉट क्रिएट कर पाएंगे। मैंने इस इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को इसमें अपलोड किया है, और उसके बाद आप इस इमेज में एक छोटा सा सर्कल देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसको क्लिक करके उस जगह पर ले जाएं जहां पर आपको हाईलाइट करना है। ये देखिए मैंने सबसे मैप के टॉप पोर्शन में एक जगह पे इसे हाईलाइट कर दिया, और ये इमेज में हमारा जो पर्पज है वो ये कि हम अपने स्टूडेंट से इस इमेज के अलग अलग जो सेक्शंस हैं, यानी कि इस मैप के जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के नाम और उन स्टेट्स की जानकारियां जो है पॉपअप कंटेंट के रूप में चाहते हैं दिखाना। तो हम क्या करेंगे, हर स्टेट के ऊपर एक आइकन जो है वो हॉटस्पॉट पोजीशन मार्क करेंगे और वहां पे लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक ही मैं बना रहा हूँ इसमें, और उसमें होगा। सर हमारे पास और वक्त नहीं है, तो आपने जैसे डिस्क्राइब किया है मुझे लगता है इमेज हॉटस्पॉट बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है उसका कॉन्सेप्ट, और वो घर पे लूमी डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। सर आपको धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्या मैं पूछूँ? हाँ जरूर, मैंने ये पहला हॉटस्पॉट का आइकन जो है वो क्रिएट कर दिया है, और हम इसे सेव करने के बाद, और यहाँ पर हमने इसे सेव कर दिया है, और इस कंटेंट को इजीली जो है वो एक लिंक के माध्यम से शेयर किया सकते। हाँ जी, अब आप पूछ सकते हैं। जी सर, जैसे आपने अभी जो पिक्चर इमेज छवि को अभी कंप्यूटर से लिया था, तो वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, जेपीजी में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी भी और फॉर्मेट में, या उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होना है ताकि आप ले सके उसे वहां से? नहीं, ये इसका फॉर्मेट जो है वो जेपीजी पीएनजी दोनों हो सकता है, और अच्छा। ये एचटीएमएल की ये डायरेक्ट वेब का भी रिसोर्स हो सकता है, बस ये आप ये मीडिया जो है वो आपके सिस्टम में अवेलेबल जरूर पहले से ही होना चाहिए, ये एंश्योर करना बहुत जरूरी। जी, और सर कॉपीराइट मटेरियल जो है वो कैसे चेक किया जाएगा? किसी भी कंटेंट का कॉपीराइट जो है वो चेक करना बड़ा ही आसान है। जब भी हम कोई भी इमेज या कोई भी रिसोर्स इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं जी। तो हम जब गूगल पे जाने के बाद हम उसके जो फीचर्स हैं जैसे फिल्टर्स हैं या मोर है, वहां पर जाके और उस पर्टिकुलर रिसोर्स का कॉपीराइट लाइसेंसेज चेक कर सकते हैं। लाइसेंसेज वाला जो सेक्शन है किसी भी एलिमेंट का जो हम वेब से उठा रहे हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट है, इमेज है, तो मेनली इमेज में ऐसा होता है कि हम लाइसेंसेज को देख के, और जो हमारी ऐसी जो कॉपीराइट फ्री है सिर्फ हम उसको चूज करेंगे। तो जैसे ही हम लाइसेंसेज में सीसी बाय एसए या क्रिएटिव कॉमन्स चूज करते हैं, उसके बाद जो इमेजेस का सेट आता है वो पहले वाले हमारे सर्च से डिफरेंट होता है। तो अब जो क्रिएटिव कॉमन्स चूज करने के बाद सेट आया उसे हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें यूज करने के लिए फ्रीली इजाजत देता है। जी बेहद धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने सभी सवालों का बहुत ही आराम से जवाब दिया, और हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए, और थैंक यू आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मुझे ये अवसर देने के लिए, और मैं अपने सभी जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं और शिक्षक देख रहे हैं उनको एक हिंट दे रहा हूँ कि जो साइट मैंने आपके सामने अभी खोली है उसके अंदर वो ट्यूटोरियल सेक्शन देख पा रहे हैं इस समय, तो वो ट्यूटोरियल सेक्शन को एक्सप्लोर करके बहुत ही ईजीली जो मैंने आपको विधि बताई है और जो आपको प्रेजेंटेशन के अंदर स्टेप्स बताए हैं उसको आप सेल्फ लर्निंग मोड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, ट्यूटोरियल के सेक्शंस आप पढ़ना और उसके बाद आप इसे एक्सप्लोर कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच एनसीईआरटी, और आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद सर।
धन्यवाद हर उस दर्शक का जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कार्यक्रम को देखा, और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर अभी भी कोई सवाल बाकी हैं तो आप हम तक बेझिझक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि अभी कल का दिन और परसों का दिन भी है और हम दो और नए विषयों पर बातचीत करेंगे। कल हम बातचीत करेंगे पाठ्यक्रम प्रस्तुति का विकास, और पाँचवें दिन यानी कि शुक्रवार को हम बातचीत करेंगे इंटरैक्टिव वीडियो का विकास। तो आज के लिए हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहे हैं, पर आपको एक बार पंजीकरण किस प्रकार करना है ज़रूर बताना चाहेंगे। आपको CIET खोलना है किसी भी ब्राउज़र पर, और जब आप CIET की वेबसाइट खोलेंगे तो ये आपको उसका होम पेज दिखेगा। आप देख सकते हैं मेन्यू बार में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे तो जो दूसरा आखिरी ऑप्शन है वो है workshop/training। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको प्रोग्राम टाइटल करंट एक्टिविटी में नज़र आएगा, ई सामग्री का विकास इंटरैक्टिव संसाधन। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यह है पूरी जानकारी इस पूरे प्रशिक्षण में, किस प्रकार की बातें होंगी, कौन से विषय लिए जाएंगे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के, और दिनांक से लेकर कौन कौन इस पूरे प्रशिक्षण का भाग बन सकता है ये भी लिखा गया है। हर एक दिन कौन से जो मेहमान होंगे हमारे साथ वो जुड़ेंगे उनके भी नाम दिए गए हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है और जो भी डिटेल्स है उस पे अपना नाम, अपनी बाकी की डिटेल्स भरनी है और हम तक पहुँचानी है। इसके अलावा अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उसमें भी आप अपने बारे में जो भी जानकारी है वो लिख सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा किया जाएगा। और ये है हमारे YouTube चैनल का लिंक NCERT Official। कल का, आज का और पहले दिन का जो कार्यक्रम है वो इस पर मौजूद है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इस जगह पर आपको क्विज़ का लिंक दिया जाएगा आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार 29 दिसंबर को, तो प्लीज़ उसका इंतज़ार कीजिएगा। और ये है एक और QR कोड। अगर आपके पास कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं हमें, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक पर क्लिक करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और training.helpdesk@cieet.nic.in है हमारा ईमेल ID जिस पर आपको हर तरह की जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये पंजीकरण पूरा कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, पर कल फिर से हाज़िर होंगे ठीक 4 बजे और यही अपना चर्चा का विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और आने वाला जो अगला कार्यक्रम है वो भी एक खास कार्यक्रम है सहयोग, और उस पर जिस विषय पर बातचीत होगी वो होगा मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलेगा। और NCERT की जो किताबें हैं नए अकादमिक सेशन 2023-2024 के लिए बताना चाहेंगे, अब वो पूरे भारत में उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें भी खरीद सकते हैं। उससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर टिकर के फॉर्म में चल रही है, तो उसे ज़रूर पढ़िएगा और उम्मीद है कि आप अपनी किताबें जल्द से जल्द खरीद लेंगे। मैं हूँ तन्वी खुराना, मुझे दीजिए इजाज़त। आशा है आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार।